Listen to someone who was personally monitoring the rescue operations deployed by the Prime Minister. Union Minister V.K. Singh has spoken exclusively to Times Now to share how was this operation made possible. सबसे पहला सवाल, इन 12 दिनों में क्या अनुभव रहा आपका? क्योंकि आपका अनुभव तो अलग अलग परिस्थितियों से लोगों को निकालने का रहा है, लेकिन ये टनल का अनुभव कैसा? ये टनल एक अलग तरह का अनुभव था, अलग तरह की चुनौती थी और हर चुनौती के जब आप सामना पड़ते हैं, जब कार्य में आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई रुकावट पड़ती है। उस रुकावट को कैसे दूर करना उसके बारे में सोचना पड़ता है। और इस पहले ऑपरेशंस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, इसके अंदर भी ये था। हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। प्रधानमंत्री जी बाकायदा सुबह शाम मॉनिटरिंग करते थे, उनकी एक टीम वहाँ पर मौजूद थी। कोई हमको दिक्कत हो तो हम उनके साथ बैठकर उसको हल निकालते थे। जो हमको साधन चाहिए, जहाँ से चाहिए वहाँ से उनको, यानी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जबकि देश के किसी भी कोने से किसी भी चीज़ की अगर हमको ज़रूरत है वो आ जाए। लेकिन सर, कभी ऐसा लगा, क्योंकि इतने दिन तक आप थे वहाँ पर, कभी ऐसा लगा कि सफलता नहीं मिल पा रही है, अंदर मजदूरों का क्या होगा, मतलब दिमाग में कभी ऐसा नहीं लगा? हमने तो मजदूरों के लिए 10 दिन का खाना रख रखा था, अगर देरी भी होगी तो उनको और उनके उनको भी लगा। उन्होंने कहा जी हमें पता है कि आप निकाल लेंगे, उन्हें पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास था। कल प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन चल रहा था कल देखा भी उन्होंने और वो भावुक हो गए। जब वो बात कर रहे थे उस समय भी उन्होंने जिक्र किया कि भगवान बद्रीनाथ की कृपा है, केदारनाथ की, कि सब लोग निकल आए और यदि कुछ हो जाता तो बड़ी अपने आप को जवाब नहीं दे पाते उसकी भावनाओं के बाद। ऐसा है कि कोशिश हमारी यही थी कि कुछ हो ना, इसलिए हमने अपने कर्मियों का ध्यान रखा। 10 दिन का वहाँ पर खाना मौजूद है अभी भी, जो हमने ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें जो उनके लिए भेजी मौजूद हैं। रोज फ्रेश फ्रूट उनके लिए जाता था, कुछ और जो भी चीज़, यहाँ तक कि एक बार उनकी डिमांड थी नेल कटर्स की, वो भी चले गए। तो ऐसा नहीं है, इमर्शन रॉड उनके लिए भिजवाई ताकि वो पानी अपना गर्म कर सके। बिजली थी वहाँ पे, पानी था, जगह थी, तो एक जो मानसिक दबाव होता है उतना मानसिक दबाव इन कर्मियों पर नहीं था। मानसिक दबाव तो था, चारों कोई निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन उनको पता था कि इतना बुरा हाल नहीं है और जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं वो सफल होंगे। सर, जब आपको पहली बार भेजा गया तो क्या सोच के आप गए थे कि कब तक सफलता प्राप्त करनी है, कितने कम से कम समय में इन लोगों को निकाल के लाना? हमेशा ये सोच के जाते हैं कि जल्दी हो जाएगा। वो तो जब अलग अलग कठिनाइयां आती हैं तो टाइम बढ़ता जाता है, उसके बाद उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं कि कुछ और किया जाए। तो ये एक प्राकृतिक चीज है कि आप जो समय की सीमा लेकर गए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे, आप पूरी हो, कई बार नहीं होती। सर, अक्सर संकट मोचन के तौर पर आपको जाना जाता है क्योंकि न सिर्फ देश में, विदेशों में जा जाकर आपने भारतीयों को लेकर आए यहाँ पर। इस बार जब आपको भेजा गया था तो सबसे पहली समस्या आपको क्या आई थी वहां पर? मेरे मंत्रालय भाई, मेरे मंत्रालय की दिक्कत है। लेकिन फिर भी जो हमें जानकारी मिली कि आपको स्पेशली बोला गया कि आप जाइए वहां देखिए, लेकिन मेरा मंत्रालय ठीक है और इसके अंदर नितिन गडकरी जी भी उसी उतने इन्वॉल्व थे जितना मैं था। हमारे सेक्रेटरी मेरे साथ वहां पे मौजूद थे ऑन ग्राउंड, ताकि हमारे मंत्रालय की तरफ से कोई चीज ऐसी ना हो जिसमें कोई कमी पाई जाए और हम पूरे तरीके से इसके अंदर सफल हों। सर, वहां के गांव वालों का एटीट्यूड किस तरीके था सरकार के प्रति, आप लोगों का? सब देखिए, एटीट्यूड उनका बिल्कुल ठीक था। कुछ को होता है, कई बार कुछ बातें आपको हर जगह सुनने को मिलती हैं, लेकिन खासकर जब हमारे फौज के लोग भगाए और उत्तराखंड के हर घर में एक फौजी है जी, तो जो उनकी कोई शिकायत भी थी वो भी दूर हो गई। सर, एक ये बताया जाता है कि वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया, वहाँ पर सभी लोग प्रणाम करते थे और वहाँ से आज्ञा लेते कि अब सफलता मिले। तो वो आया था कि पहले एक वहाँ पे कोई मंदिर था और वो शायद रिलोकेट हो गया था या जो भी उसका हुआ था, तो कुछ लोगों की धारणा थी, होती है धारणा कि जी वो शायद इस कारण हुआ हो, तो
अभी वहाँ पे मंदिर कल तक तैयार भी हो जाएगा, टेम्प्रेरी हमने एक मंदिर बना दिया था, हम भी हाथ जोड़ कर आए। देखिए आस्था होती है लोगों के अंदर, थोड़ा सा मानसिक संबल मिलता है उनको। सर अभी वर्तमान में टनल की क्या पोजीशन है और क्या आपका मंत्रालय इस टनल को कंप्लीट करेगा, लोगों के लिए भविष्य में ये चालू होगी? बिल्कुल चालू होगी, इसके अंदर कोई मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे उसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है और आगे भी इसको देखकर इस इलाके के अंदर कैसे और चीज़ों को और अच्छा किया जा सकता है वो उसका विश्लेषण करके हम वो भी करेंगे। सर प्रधानमंत्री से आपकी लगभग कितने बार बात हुई होगी? वो प्रधानमंत्री जैसा कि हमने जानकारी मिली कि बार बार ये नहीं चर्चा करते थे वो, ये टेलीविजन की बात नहीं सर, क्या मतलब जानकारी को हमेशा? मैंने आपको बोला कि अपने व्यवस्था के अंदर भी वो सुबह शाम मॉनिटरिंग करते थे, मार्गदर्शन उनका मिलता रहता था, उनकी टीम वहां पर थी। और सर भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो उसको लेकर भी क्या आपका मंत्रालय इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर विचार चल रहा है कैसे? जो जमीन है, जो जियोलॉजी, वो तो वही रहेगी ना। ठीक है, अब और क्या चीज हम कर सकते हैं ताकि और चीज बेहतर बने, उसके ऊपर चल रहा है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसको जल्दी कैसे ठीक कर सकेंगे, एक्सपीरियंस से पता चलता है। और कोशिश तो ये है कि होए ना। ठीक है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सब सुरंगें जो वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अच्छी रहे। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पहाड़ों में इस तरीके की सुरंगें बन रही, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो उससे उसके चलते इस तरीके की परिस्थिति दोबारा पैदा बनती है। सुरंगें आपको रास्ते अगर छोटे करने तो आपको सुरंग बनानी पड़ती है। आज के जमाने में अगर आप कहीं जाएंगे तो ऊंचे ऊंचे ब्रिज बनते हैं, उसके बाद सुरंग बनती है, रास्ता सीधा बनता है। दूसरे रास्ते हुए हैं घुमादार, चलते जाओ, टाइम ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, तो हर चीज को सोच के फैसला लेना पड़ता है। हमने जहाँ पे जरूरत है वहीं पे सुरंग बनाई, ऐसे नहीं कि हम हर जगह सुरंग बना रहे हैं। सर प्रधानमंत्री ने जब कल उन लोग मजदूरों से बात की तो आपको क्या लगा कि मतलब प्रधानमंत्री सीधे लोगों से कनेक्ट कर रहे थे? ये उनकी खासियत है ना भाई, तभी तो मैंने कहा सारा श्रेय उनको जाना चाहिए। हम लोग तो सिर्फ काम करने के लिए थे, हम जो हमको काम मिला था हम उस पर डटे हुए थे, लेकिन श्रेय उनका है। जिस तरीके से उन्होंने सबको संबल दिया, जिस तरीके से उन्होंने सबको प्रेरणा दी, जिस तरीके से उन्होंने मॉनिटर किया, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पीएमओ के अधिकारी तो थे वहां से, जानकारी मिल रही थी, लेकिन जानकारी से कुछ नहीं होना था, जो लोग वहां पर काम कर रहे थे बचाने के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, उनको भी श्रेय दिया। वो ठीक है, वो तो श्रेय जो काम कर रहे थे, हम भी श्रेय दे रहे ना उनको, जो काम कर रहे थे, जो मजदूर थे, जो वहां पे टनल के अंदर, चाहे वो ऑगर को ऑपरेट कर रहा था या मशीन दूसरी चला रहा था या सेफ्टी को देख रहा था या संवाद बना के रख रहा था या खाने का बंदोबस्त कर रहा था, सब लोगों की अहम भूमिका थी, वो सब लोग धन्यवाद के पात्र। सर एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा जब ऑगर टूट जाती थी, कोई ऐसी चीज हो जाती थी कि तो थोड़ा सा अंदर से नहीं था, अंदर से लगता था कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना, फेलियर नहीं था हमारे उसमें, उसका तरीका निकलेगा, एक चीज हट के दूसरा तरीका निकलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अपने आप को भी आपने संभाला और लोगों को संभल भी दिया। बिल्कुल।